अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। देखा ये तो बिल्कुल बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा प्रोड्यूस बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीसरा सतलवाद, तो मतलब की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावना आहत होगी तो तुम। वीडियो देखा आप, देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है इस वीडियो में, रिजवान अहमद और ओवैसी के बीच की ओवैसी की पार्टी की जो प्रवक्ता है, इन लोगों के सेंटीमेंट दूसरों के सेंटीमेंट कुछ भी नहीं। आज के टाइम पे आप देख रहे हो केरला स्टोरी के बाद ऐसी कई स्टोरी सामने आ रही हैं जिसमें अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लड़की को फंसाना, फिर शादी करने के बाद अपनी रियल आइडेंटिटी बताना, इस तरीके के कांड हो रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। एक्शन रिएक्शन, ये दो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि रिएक्शन 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 पे बात हो रही है, एक्शन पे बात नहीं हो रही। एक एक्शन तो मुनव्वर फारूकी का भी है, एक एक्शन उस दिन नुपुर शर्मा के साथ शो में बैठे आदमी का भी था, उस एक्शन पे तो बात नहीं होती। हर बार इस देश के अंदर मुसलमानों का सेंटीमेंट है लेकिन हिंदुओं का सेंटीमेंट नहीं है, ये क्यों है इस देश के अंदर? मेरा पिया घर आया और रामजी वाले गाने को आगे मैं प्रभाषित नहीं करूंगा, जो मुनव्वर फारूकी ने एक भद्दा मजाक किया था और आपने वो जिक्र किया, वो बहुत से लोगों को सुशांत भाई नहीं पता है, आप तो पुराने पत्रकार हैं आपको पता है। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टर अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, पता नहीं तो मैं जी। और अभी तो रुको, मुद्दे पे आता हूं। ये मुनव्वर फारूकी वो इंसान है जिसने 58 आदमी जो भट्टी में भुन गए थे, ये उनका मजाक उड़ा रहा है। इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहां पिक्चर चल रही थी मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा प्रोड्यूस बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीसरा सतलवाद, तो मुसलमान औरतों तो मैं कैसा लगेगा? ये भगवान क्या जुल्म है, जब बिल्किस का इस तरह मजाक उड़ाएगा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, शर्म करो तुम लोग, शर्म करो, डूब मरो, पहली बात। दूसरी बात, यही हैदराबाद 2008 में एक घटना का गवाह बना है, गवाह, जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने जिसका नाम ओएसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था और फ्लावर पॉट फेंक फेंक के मारे थे ओएसी ने, और ओएसी के बुजदिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले, किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओएसी तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु जो टी राजा ने रिएक्शन दिया वो गलत था, वो नहीं देना चाहिए था, वो टी राजा को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अरे तुम चुप रहो, अरे चुप रहो तुम, मैं बोल रहा हूँ ना, जब तुम बोल रही थी एक मिनट रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ जरा, एक मिनट सैयदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा, क्या 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 कह रही हैं आप, जो करना है देख लो, क्या बोलिए एक बार फिर से बोलिए जरा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। ठीक है सुनिए, मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है हमें। नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है हमें, राजा की बातों से तकलीफ है। एक मिनट होल्ड इट, एक मिनट, मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाए, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ, आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो, यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने यह मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा, हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता मैडम, ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही है कि पत्थर मारो सड़क पर, नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए, इसने बोला कि अगर, इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ, अरे तो तुम्हारा ओएसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम ना मर्द
वो बुजदिल आप नामर्द ना बोले जूते मारने क्यों नहीं रिजवान भाई नामर्द ना बोले आप नामर्द ना बोले आप अपनी बात करिए वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास एंकर जी को रोकिए ये बदतमीज तुम चुप चुप संभाल के बात करो तुम्हारों की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में समझे तुम जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ कोर्ट जाओ हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं कोर्ट जा रहे हैं ये सड़क पे लोग कौन बैठे तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी भारत में दो तरीके का सीन चलता है मुसलमानों के सेंटिमेंट और हिंदुओं के सेंटिमेंट अलग सेंटिमेंट आप देख सकते हो किस तरीके से ओवीसी की पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही है आप लोग ये करो तुम लोग वो करो तुम लोग वह करो मैं बोली ना आए ऐसा ये देखो आप हैदराबादी स्टाइल में इनका तो उनके लिए फिर वहाँ पे हैदराबाद में भी बैठा है कौन टी राजा वो भी अच्छा दिलेरी से ठोकता है बिल्कुल बोलता है इनको खुला गाली देता है और ये लोग डिज़र्व करते हैं गाली देना क्योंकि आप इनकी जो लैंग्वेज है इनके अगर आप मान लो ओवैसी के छोटे वाले की स्पीच देख लो अब इनके जो सपोर्टर हैं वो सजा काट चुका है सजा काटने से उसकी सोच थोड़ी ना बदल जाएगी अब उसका लहजा तो वही है अगर वो बातें वो नहीं कर रहा है लेकिन सोच तो उसकी वही है तो ये लोग सामने 100 लोग और खड़े कर देंगे रिएक्शन देने के लिए और वो रिएक्शन आएगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए तुम हमारे भगवान को कुछ भी बोलो तो हम लोग सहते रहें और कुछ हम लोग बोलें तुमको बस उस पर सर तन से जुदा फलाना ठिकाना ये चीज़ करेंगे ऑब्वियसली अगर इनने कहीं गलती से भी किसी बड़े या किसी मान लो नूपुर शर्मा पे अटैक हो गया ना तो फिर इनकी भी बैंड बजेगी क्योंकि तुम अपने लिए एक्शन का रिएक्शन तैयार कर रहे हो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कॉमेंट में